विग्रह राज दित्य, विग्रह राज दित्य, विग्रह राज दित्य दोस्तों एक बहुत बड़ा नाम था, और विग्रह राज चतुर्थ भी था, एक एक विग्रह राज दित्य था, और इस ये क्या था दोस्तों, चौहानों का प्रथम चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था, प्रथम प्रतापी शासक था। तो यहां पे नोट करते जाइए, चौहान वंश का प्रथम प्रतापी शासक, जो प्रथम सबसे प्रतापी जो शासक आया था चौहान वंश का, वो विग्रहराज दित्य ही था। इसके बाद में इसने सबसे पहले इसी ने परम भट्टारक परमेश्वर महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, महाराजाधिराज परम भट्टारक परमेश्वर एक ही उपाधि है दोस्तों, ये महाराजाधिराज महाराजा धीराज परम भट्टारक परमेश्वर की जो उपाधि सबसे पहले धारण की थी, वो किसने धारण की थी, वो विग्रहराज दित्य ने धारण की थी, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यहां जो शासक है, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी, इन्होंने चालुक्यों को पराजित किया था, चालुक्य शासक शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया, चालुक्य शासक जो मूलराज प्रथम था, इसको इसने पराजित किया था। विग्रहादित्य ही चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक है, इसने सबसे पहले महाराजाधिराज परम भट्टारक परमेश्वर की उपाधि जो धारण की थी, सबसे पहले धारण की थी दोस्तों, सर्वप्रथम यहां लिख सकते हैं अपन, सर्वप्रथम की उपाधि जो धारण की गई थी, वो विग्रहराज प्रथम के विग्रहराज द्वितीय के द्वारा धारण की गई थी। इसने जो हमने देखा था कि 933 में जो अभिलेख था वहां पर, 973 का जो अभिलेख था हर्षनाथ का, ये इन्होंने ही उत्कीर्ण करवाया था हर्षनाथ अभिलेख, उत्कीर्ण करवाया था उत्कीर्ण। तो 973 ईस्वी का जो हर्षनाथ अभिलेख है वो इसी के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। अब नेक्स्ट शासक जो था, इनके बारे में मुख्य मुख्य जो बातें थी हमने देख ली है, यहां से क्वेश्चन केवल एक ही चीज आ सकती है, वो कि हर्षनाथ अभिलेख किसने उत्कीर्ण करवाया था, विग्रहराज दित्य के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। कब करवाया गया था, 973 ईस्वी में। अब जो नेक्स्ट है वो आ जाएगा प्रतिराज प्रथम, थोड़ा सा इनके बारे में शॉर्ट चीजें देखेंगे हम। इसने एक काम किया था दोस्तों, ये वो किया था कि जब चालुक्यों ने अजमेर के जो पुष्कर है, पुष्कर के जो ब्राह्मण थे उनको लूट रहे थे वो, तो इन्होंने क्या कर दिया, 700 चालुक्यों का हत्याएं कर दी पुष्कर के पास, 700 चालुक्यों के हत्या इनके द्वारा, 700 चालुक्यों की हत्या क्यों की गई थी, 700 चालुक्यों के तय क्योंकि गई थी पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने के कारण। पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने के कारण, इसने पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटना शुरू कर दिया था, इसलिए हत्याएं कर दी थी। एक और सबसे बड़ी चीज थी दोस्तों, इसकी जो महत्वपूर्ण जो चीज है वो है इसके सामंत है, सामंत जो थे ना इसके, वो सामंत हट्टड़,
सामंत हट्टड़ के द्वारा जीण माता का जो मंदिर था ना, इसके जो सामंत पृथ्वीराज प्रथम का जो सामंत हट्टड़, इसके द्वारा जीण माता मंदिर का निर्माण, जीण माता जो थी इसके मंदिर का निर्माण इसके द्वारा करवाया गया था रेवासा सिक्कर में। कहां पर हुआ था? रेवासा सिक्कर, जो क्या है? जीण माता चौहानों की कुलदेवी। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौहानों की कुलदेवी कौन सी है? जीण माता जो है चौहानों की कुलदेवी है। शाकंभरी माता भी, शाकंभरी माता को भी कहते हैं, जीण माता को भी इनको माना जाता है, दोनों में आ जाता है। दूसरी बात, इसमें एक और चीज थी जिसका निर्माण कब करवाया गया था? 1604 में करवाया गया था। 1604 नहीं है, इसमें 1064 इसमें आ जाएगा, 1064 में इसका निर्माण करवाया गया था। अगर नेक्स्ट देखें इसके बारे में, तो आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शासक है वो आ जाएंगे अजयराज। अजयराज चौहान, और इनका जो शासन काल है वो है 1105 से और 1133 के लगभग ईस्वी। अजयराज चौहान जो है इनका जो शासन काल है वो 1105 से 1133 ईस्वी के मध्य माना जाता है। दूसरी बात जो है इनके बारे में, इन्होंने अजमेर की स्थापना की थी दोस्तों, अजमेर की स्थापना अजय मेरु नाम से 1113 में, 1113 ईस्वी में अजय मेरु नाम से। अजमेर की स्थापना जो आज अजमेर जो है इसको अजय मेरु कहा जाता है। और जब अजय मेरु जो था इसकी स्थापना कब की गई थी? 1113 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी? अजयराज के द्वारा की गई थी, नाम से की गई थी। और इसको फिर राजधानी भी बनाया, अजय मेरु को इसने क्या बनाया बाद में? राजधानी स्थापना करके। ठीक है दोस्तों, तो ये था अजयराज जो था, अजयराज चौहान, चौहान वंश का सबसे ज्यादा प्रतापी शासक। और यहाँ कह सकते हैं एक और चीज इसके बारे में कही जाती है कि अजयराज चौहान था, इसके समय जो चौहान वंश था उसका निर्माण काल था, अर्थात जो चौहान वंश था वो अपने निर्माण की ओर अग्रसर था। अजय मेरु इसमें नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अजय मेरु अजयराज के काल को, अजयराज के काल को, और किसने कहा है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है किसने कहा है, ये कहा है, ये कहा है गोपीनाथ शर्मा जो थे उन्होंने कहा है अजयराज के काल को। क्या कहा है? निर्माण काल। तो अजयराज के काल को चौहानों का निर्माण काल कहा जाता है। ठीक है, तो अजयराज के काल को चौहानों का निर्माण काल कहा जाता है। और जब स्वर्ण काल की बात आती है उसमें विक्रयराज चतुर्थ आ जाएंगे। अगर अब इसमें आगे नेक्स्ट देखें तो किसने कहा था ये जो चौहानों का जो निर्माण काल अगर कहते हैं इसको, तो क्यों कहा जाता है और किसने कहा था? तो इसमें जो आ जाएंगे गोपीनाथ शर्मा।
और गोपीनाथ शर्मा ये वही है जो दशरथ शर्मा ने जब उनकी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था, जिनका समर्थन किया था गोपीनाथ शर्मा ने, तो वही गोपीनाथ शर्मा है। इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, अजमेर की स्थापना की गई थी गोपीनाथ शर्मा जो अजयराज इनके द्वारा, और अजमेर को अपनी राजधानी बनाया गया था 1113 में ही। इसके बाद में एक और चीज़ इनके बारे में कही जाती है, जो तारागढ़ दुर्ग है, जो जिसको गढ़बेटली भी कहा जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, वो भी इन्हीं के द्वारा निर्माण किया गया था। तो जो अगर इसीलिए इसीलिए ना अजयराज को, क्योंकि तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया इन्होंने, इन्होंने आगे जो काम करवाए, इसके अलावा इन्होंने क्या काम किया, अजमेर को राजधानी बनाया और अजमेर शहर बसाया। दूसरा इन्होंने जो काम किया था वो अजमेर अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण। एक और चीज कही जाती है कि इसको, क्योंकि गढ़बेटली भी कहा जाता है, गढ़ बीठली, गढ़ बीठली क्यों कहा जाता है, विट्ठल देव जो थे ना शाहजहां के समय, जो विट्ठल देव थे, उन्होंने इसको नाम क्या, अपने नाम से क्या रख दिया, गढ़ बीठली, गढ़ गढ़ तो था ही, बीठली, विट्ठल से बीठली कर दिया इन्होंने। तो शाहजहां के समय के समय विट्ठल देव, जो विट्ठल देव थे, इन्होंने गढ़ बीठली नाम दिया। तो अजमेर के जो तारागढ़ दुर्ग है, इसको क्या क्या नाम दे दिया, गढ़बीठली दुर्ग था। गढ़बीठली दुर्ग किनके द्वारा दे, विट्ठल देव के द्वारा दिया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तारागढ़ क्यों कहा जाता है इसको, ये एक और चीज है, तारागढ़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि है तो बीठली पहाड़ी पर भी है, लेकिन इसको तारागढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पृथ्वीराज, जिनको उड़ना पृथ्वीराज भी कहा जाता है भारतीय इतिहास में, सिसोदिया शासक थे उड़ना पृथ्वीराज, उड़ना राजकुमार जो थे पृथ्वीराज, सिसोदिया शासक, मेवाड़ का था ये, उड़ना राजकुमार कहा जाता है इनको। तो पृथ्वीराज सिसोदिया, जिनको उड़ना राजकुमार कहा जाता है, मेवाड़ के सिसोदिया वंश के थे। तो इन इनकी वजह से, इनकी जो पत्नी थी, क्या नाम था, इनकी पत्नी का नाम तारा, और इन्होंने क्या करवाया, इसका जीर्णोद्धार करवाया, पत्नी पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़, जो पत्नी थी उसके नाम पर तारागढ़ रखा। तो पृथ्वीराज सिसोदिया, जो उड़ना राजकुमार कहा जाता है, इनकी पत्नी थी तारा, इसके नाम पर, जो तारा थी इसके नाम पर इसका दुर्ग का नाम तारागढ़ दुर्ग रखा गया। इसको पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा है, कर्नल जेम्स टोड जो थे, इन्होंने क्या कहा, इसको पूर्व का जिब्राल्टर कहा है। और बिशप हेबर ने कहा था कि यह दुर्ग जो है इन स्थापत्य का एक झांकी है, इस तरीके से वो कहते हैं, बिशप हेबर भी इसका वर्णन करते हैं। पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है इसको, पूर्व का जिब्राल्टर। पूर्व का जिब्राल्टर, दुर्ग। तो अजयराज चौहान का निर्माण काल में बहुत सारा निर्माण होता है, और निर्माण की वजह से इसको क्या कहा जाता है, इसके पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। इसने क्या किया, उज्जैन
परमार शासक जो थे ना, उसका नाम था नरवर्मन। इसको पराजित किया तो उज्जैन का जो शासक कौन था, परमार शासक नरवर्मन, इसको इन्होंने पराजित भी किया। किसने पराजित किया? अजय राज ने। और इसका जो सेनापति था, सेनानायक, सेनापति सुलहण, सुलहण था इसके सेनापति का नाम। किसके सेनापति का नाम? नरवर्मन के सेनापति का नाम जो सुलहण था, उसको घोड़ा पर बांध कर ले आए, घोड़ी पर बांध कर अजमेर लाए, है नहीं? इन्होंने कितने बड़े काम किए, उज्जैन के शासक था नरवर्मन को पराजित कर दिया, और उसके सेनापति सुलहण जो था, ये सुलहण था, इस सुलहण को गिर यहां से मतलब उठा लाए, घोड़ी पर बांध कर वहीं से और अजमेर लेकर आ गए। तो ये बहुत बड़े विजेता भी कहा जाता है इनको, इसीलिए इनको पूर्व ये विजेता कहा जाता है। और इसके द्वारा बहुत सारे और भी चीजें काम की जाती है, जैसे इन्होंने सिक्के भी चलाए थे, और अजय 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 प्रिय और अजय द्रुम नाम से सिक्के चलाए थे, और रानी नाम जो इनकी रानी थी सोमवती, जिनको सोमलेखा भी कहा जाता है, सोमलवती भी कहा जाता है, उनके नाम से इन्होंने क्या कराए, इनके नाम से भी सिक्के चलाए थे। तो एक और चीज नोट कर लेते हैं इसमें, इसमें ही अजय राज ने चांदी और तांबे के, चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए, है ना? किसके सिक्के चलाए? तांबे और चांदी दोनों के सिक्के चलाए थे इसने, अजय राज जो था, इसने चांदी के और तांबे के दोनों के सिक्के चलाए थे। और किस नाम से चलाए थे? अजय प्रिय, अजय प्रिय। और दूसरा जो चलाया था अजय द्रम, है ना? अजय द्रम नाम से चला। कुछ सिक्के जो थे, कुछ सिक्के, कुछ का मतलब, क्योंकि इनकी वाइफ थी सोमवती, वो नाराज हो गए कि यार आप ही अपने 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 नाम से कर रहे हो और चीज, तो मेरे नाम से भी तो कुछ चलाओ। तो इन्होंने भाई अपने नाम से अपनी जो कुछ सिक्के, जो इनकी रानी थी, सिक्के अपनी रानी सोमलवती, सोमलवती या सोमलेखा भी कहा जाता है इसको, सोमलवती या लेखा के भी चलाए। तो दोस्तों इसको आप नोट कर लो, क्योंकि इसमें चार पांच चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थे। अजय राज ने किसके सिक्के चलाए? चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। और किस नाम से सिक्के चलाए थे? दोनों इंपॉर्टेंट है। अजय प्रिय, अजय द्रम नाम से सिक्के इसने चलाए थे। तो अजय अजय प्रिय अजय द्रम के नाम से इसने सिक्के चलाए थे, और उन सिक्कों पर जो था, अजय प्रिय द्रम, इसमें अजय प्रिय द्रम आ जाएगा, और श्री अजय आ जाएगा। ये वैसे वही नाम है, तो थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं मैं एक बार फिर, श्री अजय, अजय राज। तो इसने कौन से सिक्के चलाए? अजय प्रिय द्रम, अजय प्रिय द्रम, श्री अजय राज नाम से सिक्के चलाए, और अपनी पत्नी सोमलवती जो है, इसके नाम से भी इन्होंने सिक्के चलाए थे, सोमलवती। और दूसरी एक और क्या है नाम इनका? सोमलेखा, सोमलवती, सोमलेखा, दोनों ही नाम है इसका। तो इन इनके नाम से भी इसने सिक्के चलाए थे। तो अजय राज बहुत महत्वपूर्ण शासक था। और 1100 इसका क्या था, जब इतना सब कुछ कर दिया इसने, बहुत कुछ कर दिया था अपने निर्माण काल में, बहुत सारा निर्माण काम इसने करवाया था, और लास्ट में जाकर के क्या काम किया इसने, इसने इनका पुत्र था अर्णोराज, इनका पुत्र 1133 में
ईस्वी में पुत्र अर्णोराज जो था अर्णोराज ने पुत्र अर्णोराज के सौंपकर पुष्कर चले गए। मतलब ये था कि ये लास्ट में क्या हुआ, इन्होंने बहुत कुछ काम कर दिया और बाद में कहे कि भाई अब मैं आराम करना चाहता हूं, और आराम करने का मतलब था कि पुत्र अर्णोराज को जो है पूरा राजपाट सौंप करके पुष्कर में ये सन्यासी बनकर रहने लग गए थे। दोस्तों तो इनका काल जो था बहुत स्वर्णिम काल भी था, और एक तरीके से चौहानों का निर्माण काल क्यों कहा जाता है वो चीज़ें हमने देखी। तो इसने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए अजयप्रिय द्रम अजय द्रम नाम से, और श्री अजयराज नाम के सिक्के चलाए। इसके बाद में सोमलवती नाम से सिक्के चलाए, जो अपनी रानी थी वो सोमलेखा भी इसको कहा जाता है। 1133 में अपना राजपाट छोड़ दिया। तो ये थे अजयराज। इसके बाद में नेक्स्ट अगर देखें तो आते हैं अर्णोराज। अर्णोराज इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत दो तीन चीजें लिखेंगे हम। वो है अर्णोराज को आनाजी भी कहा जाता है, इनको आनाजी अर्णोराज को जो है आनाजी भी कहा जाता है, उपाधि है एक तरीके से, आनाजी उपाधि कह दे सकते हैं। और आना सागर जो झील है ना, इन्होंने क्या करवाया आना सागर झील का निर्माण। और आना सागर झील क्या है, अजमेर में आना सागर झील का निर्माण। आना जी ने दो तीन काम किए थे, और दो तीन कामों में सबसे पहला जो काम था वो आना सागर झील का निर्माण था। और इसमें एक और चीज जो थी वो था, ये आना सागर झील के किनारे पर, दोस्तों आपने एक चीज एक काम सुना होगा कि यहाँ पे नूरजहां जो थी, और नूरजहां कौन थी, जहांगीर की पत्नी, उसकी माता थी असमत बेगम, जिसने इसी झील के किनारे पर आना सागर झील के किनारे पर नूरजहां की माता, इसका नाम था असमत बेगम, असमत बेगम, इसने क्या काम किया था यहाँ पे, गुलाब से इत्र बनाने की जो विधि थी ना उसका काम उसको इजाद किया था एक्चुअली। तो असमत बेगम ने कहाँ पर किया था, आना सागर झील के किनारे पर नूरजहां की माता असमत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की कला, गुलाब से इत्र बनाने की कला का आविष्कार, किसने किया, नूरजहां की माता ने। और यहीं पे इसी झील के किनारे पर बारादरी का निर्माण करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। यहां पर किसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों, बारादरी का निर्माण करवाया गया था। बारह दरी का निर्माण, बारह दरी का निर्माण कराया गया। यहां पर दौलत उद्यान भी है, दौलत उद्यान या दौलत बाग भी कहते हैं इसको, बाग और उद्यान एक ही है। और ये इसलिए आना सागर झील का निर्माण करवाने का एक पर्पज, इसका उद्देश्य बताया जाता है कि इन्होंने आना सागर जो झील का निर्माण करवाया था ना, ये तुर्कों के रक्त से जो तुर्क जो आ गए थे भारत में, उनको उनको उनसे शुद्ध उनके रक्त से शुद्ध करने के लिए, उसके पानी के लिए इसका निर्माण करवाया था ऐसा कहा जाता है। तो इसका जो निर्माण करवाया था वो क्यों करवाया गया था, आना सागर झील का निर्माण, आना सागर झील का निर्माण इसलिए करवाया गया था कि जो तुर्क थे उनके रक्त से शुद्ध करने के लिए, अर्थात उनसे शुद्ध करने के लिए इस झील के पानी का से उनको उनके रक्त को शुद्ध किया जाएगा, तो आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था। अब इसके बारे में अगर दो तीन चीज़ें और देखें, अर्णोराज जो थे इनको अनाजी भी कहते हैं, बारादरी का निर्माण करवाया इन्होंने,
दौलतबाग का उद्यान यहीं पे है जो आना सागर झील के किनारे स्थित है। नूरजहाँ की माता असमत बेगम जो थी, इत्र बनाने की कला जो थी वो यहीं पर इन्होंने ईजाद की थी। और नूरजहाँ कौन थी? जहांगीर की पत्नी थी नूरजहाँ। नूरजहाँ जो जो है जहांगीर की पत्नी थी और उन्हीं के द्वारा ये गुलाब से इत्र बनाने की कला का ईजाद किया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। अब इसके बाद में इनके अगले काल जो आएगा, महत्वपूर्ण शासक अगर आएंगे तो आएंगे बिस्सल देव चतुर्थ आ जाएंगे और इसके बाद में पृथ्वीराज तृतीय आ जाएंगे। इनके बारे में देखते हैं कल हम दोस्तों इसी क्लास में। जुड़े रहे मेरे साथ। धन्यवाद।